न्यूज तक अब नए अंदाज में। भारतीय क्रिकेट में खलबली मची हुई है जब से विराट कोहली को ओडीआई की कप्तानी से हटाया गया है। तमाम तरह के बयान सुनने को मिल रहे हैं इस पूरे विवाद पर। फैंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ दिखाई दे रहे हैं सौरव गांगुली से, बीसीसीआई से। सौरव गांगुली की बात करें तो वो एक बार बयान दे चुके हैं विराट कोहली के ओडीआई कैप्टनसी से बर्खास्त होने पर। अब एक लेटेस्ट इंटरव्यू में उन्होंने फिर से एक बड़ा बयान दिया है विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर। गांगुली ने एक इंटरव्यू में कहा कि रोहित शर्मा अच्छा करने का रास्ता खोजेंगे। आगे उन्होंने रोहित शर्मा पर कहा, आईपीएल के लिए उनका रिकॉर्ड शानदार है, वो 5 खिताब जीत चुके हैं। उन्होंने कुछ साल पहले एशिया कप में भारत की कप्तानी की थी जिसे भारत ने जीता था और तब टीम इंडिया कोहली के बिना जीती थी। विराट के बिना खिताब जीतना ये दिखाता है कि टीम कितनी मजबूत है। रोहित को बड़े टूर्नामेंट में सफलता मिली है, उनके पास एक अच्छी टीम है, तो उम्मीद है कि वो इससे अच्छे नतीजे ला सकते हैं। अगर हम वापस जाएं, जो स्टेटमेंट दी थी विराट कोहली ने T20 की कप्तानी छोड़ते वक्त, वहां पर उन्होंने स्पष्ट किया था कि वो वर्कलोड मैनेजमेंट के लिए, कार्यभार को संभालने के लिए वो ये कदम उठा रहे हैं और T20 की जो कप्तानी वो छोड़ देंगे। उसके बाद उन्होंने IPL की भी कप्तानी छोड़ दी थी RCB की, लेकिन उन्होंने साफ लिखा था कि ODI और टेस्ट जो है उसकी कप्तानी वो नहीं छोड़ने वाले, वो उस पर फोकस करेंगे, उस पर अपना बेस्ट देंगे। लेकिन हाल ही में जो सब कुछ हुआ है उसमें कहीं से ये खबर आई कि 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था विराट कोहली को कि जी आप कप्तानी ODI की भी छोड़ दीजिए वरना हमें बर्खास्त करना पड़ेगा, और वही हुआ भी। उसके बाद दादा यानी कि सौरव गांगुली का बयान आया कि हमने कहा था विराट कोहली को कि आप कप्तानी ही मत छोड़िए, आप T20 की भी कप्तानी मत छोड़िए, लेकिन विराट कोहली जो है वो नहीं माने और इसलिए बोर्ड जो है वो व्हाइट बॉल क्रिकेट में 2 अलग अलग कप्तान नहीं चाहता था। इसलिए जो है टू मच लीडरशिप, ये फ्रेज जो है इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया था कि बहुत ज़्यादा लीडरशिप हमें नहीं चाहिए और इसलिए BCCI ने ये जो कदम है वो उठाया है और इसके चलते BCCI आलोचना का पात्र बना हुआ है। अगर हम देखें फैंस का गुस्सा काफ़ी ज़्यादा इस पर फूट पड़ा है, सोशल मीडिया पर आप देखें कई क्रिकेटर्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड वो इस पर रिएक्शंस दे रहे हैं। अब चलिए आपको दिखाते हैं रोहित शर्मा का ODI में बतौर कप्तान जब भी वो स्टैंडिंग्स कीपर बने हैं कैसा रहा है उनका रिकॉर्ड। भारत के लिए रोहित शर्मा ने बतौर स्टैंड इन स्किपर 10 वनडे इंटरनेशनल में कप्तानी की है जिनमें से 8 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है, वहीं 2 मुकाबले हारे हैं। उनकी कप्तानी में भारत ने एशिया कप और निदाहास ट्रॉफी भी जीती है। अब जिस तरह के बयान आ रहे हैं, जो बयानबाजी चल रही है, विराट कोहली के कोच ने भी सौरव गांगुली के बयान पर, जो पिछला बयान था उस पर हैरानी जताई है, जहां पर उन्होंने कहा था कि उन्होंने मना किया था विराट कोहली को T20 की कप्तानी ना छोड़ा जाए। लेकिन जो रिएक्शन आ रहा है विराट कोहली के बचपन के कोच का, उनके गुरु का, और जो सौरव गांगुली के लगातार बयान आ रहे हैं और विराट कोहली ने एकदम चुप्पी साधी हुई है सबको लेकर, ये जो तमाशा एक तरह से बन गया है वो भारतीय क्रिकेट के लिए अच्छे संकेत नहीं दे रहा है। खैर, आने वाली जो सीरीज़ है, साउथ अफ्रीका दौरा है, वो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि उसमें देखना होगा किस तरह से जो 2 दिग्गज खिलाड़ी हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा किस तरह से ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं। उम्मीद यही होगी कि इस सब का जो असर है वो ड्रेसिंग रूम में या भारतीय टीम के मैदान में जो परफॉर्मेंस है उस पर बिल्कुल भी ना पड़े।